भी हो जाता है, जिसको ज्यादा गुस्सा आने वाला रहता है, व्यवहार में उसकी कुछ गड़बड़ी रहती है, तो क्या होता है, हम लोग बहुत सारा केस देखते हैं, सेंट्रल जेल में जाते हैं तो हाफ मर्डर का केस लगा है उस पर मारपीट का केस लगा। कभी कभी गुस्सा जो होता है अनकंट्रोल हो जाता है, जिसके कारण इतना सारा जो है परेशानी आती है, बीपी का बढ़ जाना है ना। और भी है, जैसे कि किसी को कोई चीज से डर लगना, जैसे किसी को रात से डर लगता है, किसी को खून से बहुत डर लगता है, किसी को बादल देख के डर लगता है, तो ये सब भी नॉर्मल चीज नहीं है, ये भी एक तरह का बीमारी नहीं। तो हमेशा बनारस जाइए, गोरखपुर जाइए, बाहर या रांची जाइए, ऐसी जगह इसका इलाज होता है। रूम नंबर 17 में मानसिक विभाग है, जहाँ पे दवा भी रूम में मिल जाती है, तो आप लोग वहीं आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये लोग भी रहते हैं। और भी स्टाफ है, डॉक्टर गौरव कुमार है, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ है, और हमसे भी बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप लोग। कभी कभी कोई ऐसा बात जो मन में दब जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, तो औरत में ज्यादा दिक्कत होता है ये, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। अब आपको एक केस बता देता हूँ, समझ में आएगा। पहले दूसरी बीमारी का नाम सुन लीजिए आप, कि उदासी की बीमारी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, सर में दर्द रहता है, बहुत बीमारी के लक्षण है, बहुत कम नींद आती है, आप लोग और अच्छे से समझने पड़ के, हमेशा उल्टा पुल्टा भावना सोच आने लग जाता है, जैसे कि अरे वहाँ जाएंगे तो गाड़ी हमको ठोकर तो नहीं मार देगा, जो है कुछ बीमारी के लक्षण लिखे हैं, पैसा आएगा तो कहीं कैसे पैसा आएगा, मतलब ये सब बात सोच सोच के पति पत्नी में भी झगड़ा शुरू हो जाता है, ननद और सास में झगड़ा शुरू हो जाता है, गोतनी में शुरू हो जाता है, तो इसको हम लोग उदासी की बीमारी, जिसको इंग्लिश में डिप्रेशन बोला जाता है, तो इससे भी हम लोग को बचना है। और